तो इस पेपर का आखिरी सवाल करते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड से दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, अ लूप ए बी सी डी ई एफ ए ऑफ स्ट्रेट एजेज हैज सिक्स कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ। सबके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन इज बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला। द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स थ्रू द लूप ए बी सी डी ई एफ ए इन वेवर इज। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक लूप दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है। ठीक, लूप का ये डायग्राम नहीं दिया गया है लेकिन ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताए गए हैं, और अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा कि ए जो है 0, 0 है तो ओरिजिन पर होगा, है ना। बी जो है वो है 5, 0, 0 इसी तरह से, है ना। सी जो है इसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 है, 5, 5, 0 इस तरह से सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ शेप बनेगा। ए बी सी डी एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर बन जाता है, और फिर जो है डी ई एफ ए डी ये एक स्क्वायर बनता है वाई जेड प्लेन में, है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 3i कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 टेस्ला है, एक्स डायरेक्शन इधर है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में 3 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो अगर यहाँ पर हमें फ्लक्स निकालना हो, फ्लक्स थ्रू लिखेंगे यहाँ पर डी ई एफ ए डी, है ना, इससे इस एरिया से फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, है ना। तो बी ए कॉस 0 डिग्री, अगर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल हो तो कॉस 0 डिग्री होगा। एरिया का डायरेक्शन होता है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, तो जैसे ये एरिया है वाई जेड प्लेन में, है ना, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर यानी एक्स डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों जो है पैरेलल है, इसलिए जस्ट मल्टीप्लाई कर देने से फ्लक्स आ जाएगा, और वो फ्लक्स आएगा एरिया देखेंगे, ये जो भी स्क्वायर बन रहे हैं सबका लेंथ आ रहा है 5, है ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये सारे 5, 5 बन रहे हैं, तो सरफेस एरिया इसका आएगा 5, है ना। अगर मीटर में दिया गया हो, हालांकि बताया नहीं गया है, अगर मीटर में हो तो मीटर में लेंगे 5 स्क्वायर, ये हो गया एरिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया 3, है ना, तो ये हो गया देख सकते हैं 75 वेबर, है ना। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा सरफेस है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये 4k कैप। ये जो सरफेस है स्क्वायर फेस जो है ये वाला, ये एक्चुअली में एक्स वाई प्लेन में है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यानी जेड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे जेड डायरेक्शन के पैरेलल वाला, ये है 4 टेस्ला। तो जेड डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, जेड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वजह से यहां पर फ्लक्स आएगा, है ना। तो वो कितना आएगा, फ्लक्स थ्रू एरिया ए बी सी डी ए, ये वाला जो स्क्वायर फेस है इससे अगर फ्लक्स निकालेंगे तो आएगा एरिया इसका भी 25 आएगा 5 स्क्वायर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 4 टेस्ला है, तो ये आ जाएगा 100 वेबर, है ना। अब खास बात ये है कि जो 3 टेस्ला है यानी एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से फ्लक्स इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर हो गया, इसका सरफेस एरिया जेड डायरेक्शन में है जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एरिया परपेंडिकुलर होंगे तो कॉस 90 डिग्री आएगा जिससे फ्लक्स 0 हो जाता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 3 टेस्ला की वजह से, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं आएगा। उसी तरह से 4 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, जो कि इधर है, उसकी वजह से इस एरिया से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि इसका एरिया एक्स डायरेक्शन में है और ये मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर हो गए दोनों, है ना। तो टोटल अगर फ्लक्स निकालना हो, टोटल फ्लक्स थ्रू
ए बी सी डी ई एफ ए, टोटल फ्लक्स मतलब ये जो पूरा लूप है इस लूप से फ्लक्स निकालेंगे। ध्यान रखना है कि फ्लक्स जो है वह स्क्वायर क्वांटिटी होता है, तो उसको जस्ट जोड़ देना है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, एरिया का डायरेक्शन होता है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से जो फ्लक्स आता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो क्या है, जस्ट नंबर ऑफ लाइन्स है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो होती है उनका संख्या बताता है, नंबर बताता है। तो ये दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे, 75 लाइन्स इसको क्रॉस कर रही हैं, 100 लाइन्स इसको क्रॉस कर रही हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 75 प्लस 100 यानी कि 175 लाइन्स, इसको वेबर्स में कहते हैं, 175 वेबर्स, है ना।